नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। वर्षाकाल समाप्ति के बाद भी जिले की सीमांत तहसील में बारिश और भूस्खलन जारी है। बीते सायं बारिश के साथ हुए भूस्खलन से एक वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि वाहन में से सवारियां उतारने के बाद वाहन स्वामी द्वारा वाहन को पार्क कर दिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मथकोट जलजीवी मार्ग में फगुआ के पास वाहन स्वामी हरीश मेहता निवासी ग्राम वलती, जो प्रतिदिन मथकोट धारचूला के लिए यात्रियों के साथ आवाजाही करते हैं, बीते दिवस भी वे वापसी में सवारियों को उतारकर हमेशा की तरह वाहन को खड़ा कर चले गए। क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते वाहन जहां खड़ा किया था उसके ऊपर भूस्खलन होने से खासा मलबा व पेड़ टूटकर वाहन के ऊपर आ गया, जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रात लगभग 9:30 बजे वाहन स्वामी हरीश मेहता को पता चला तो वे स्थल पर पहुंचे। देखा तो वाहन पूरी तरह से मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया था। ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मशीन द्वारा रात को मलबा हटाया गया। वाहन के क्षतिग्रस्त होने से वाहन स्वामी को खासा नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि वाहन खड़ा करते समय यह घटना नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वर्षाकाल समाप्ति के बाद जिले के सीमांत तहसील मुनस्यारी धारचूला में बारिश का क्रम जारी है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग अभी भी यातायात के लिए पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार धारचूला में 10.2 mm व मुनस्यारी में 7.2 mm बारिश हुई है। जिले में मंगलवार की सुबह तक 3 मार्ग बंद रहे। पिथौरागढ़ के जागपुरान के निकट मसाड़ी गांव निवासी राकेश जोशी 36 वर्ष, जो सेना में 19 गार्ड रेजिमेंट में वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर में तैनात थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया। जवान का पार्थिव शरीर बीते दिवस उनके पैतृक गांव लाया गया। जवान के आकस्मिक निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके घर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बीते दिवस दिवंगत जवान की अंत्येष्टि रामेश्वर घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ की गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। जवान राकेश अपने पीछे माता पिता, पत्नी और 2.5 साल के पुत्र को छोड़ गए। पिथौरागढ़ के सिलथाम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिलोक मेहर की अगुवाई में कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र व यूपी सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने वालों में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रिसेंद्र मेहर, प्रदेश सचिव भुवन पांडे, खिमरा जोशी, पूरे मियाँ अंसारी, कुंडल मेहर, शंकर खड़ायत, सुभाष पुनेड़ा, मुस्तकिन, कमलेश कसनियाल, शंकर लाल, दीपक वेलाल, निर्मल सोन, गजेंद्र मेहता सहित दर्जनों कांग्रेसी शामिल थे। जिले के गंगोलीहाट व अस्कोट में भी लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र व यूपी सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ में मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल जारी है। जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में विक्रेताओं द्वारा धरना देकर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर बीते लंबे समय से संघर्षरत हैं, पर सरकार उनकी मांग को लेकर कतई गंभीर नहीं है, जो सरासर सस्ता गल्ला विक्रेताओं की उपेक्षा है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। आक्रोश व्यक्त करने वालों में अध्यक्ष मनोज पांडे, उपाध्यक्ष मनोज कापड़े, कोषाध्यक्ष ललित, संयुक्त सचिव कमल टमटा, मीडिया प्रभारी कैलाश पुनेड़ा, कैलाश उप्रेती, पूरन बसेड़ा, लक्ष्मण गिरी, भुवन जोशी, प्रदीप रावल सहित कई विक्रेता शामिल थे। इधर गोलीहाट में भी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। विक्रेताओं ने मांगों का एक ज्ञापन नायब तहसीलदार दिनेश कुटोला को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष जगत सिंह, उपाध्यक्ष मनोहर सिंह, महामंत्री गिरीश लाल शाह, कोषाध्यक्ष उमेश जोशी, संरक्षक मोहन बोरा, धन सिंह रावल, कौस्तुवानंद मदन जोशी सहित अन्य विक्रेता शामिल थे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत यहां मुख्य डाकघर परिसर में डाक अधीक्षक ललित जोशी की अगुवाई में सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत डाक कर्मियों द्वारा परिसर में फैले कूड़े, उगरी झाड़ियों को साफ किया गया। इस अवसर पर सहायक डाक अधीक्षक SC उपाध्याय, डाकपाल गणेश डकरियाल, मनोज पुनेठा, मुकेश त्रिपाठी, विद्यागिरी गीतिका, मयंक पांडे, नरेंद्र धामी, चंद्रशेखर पनेरू सहित कई डाककर्मी शामिल थे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में अतिथि शिक्षकों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुरानी ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सुभाष चंद को ब्लॉक अध्यक्ष, मुकेश कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष, नीरज जोशी उपाध्यक्ष, रेखा सिलवाल महिला उपाध्यक्ष, सुनील कोटियाल महामंत्री, विनोद मेहता कोषाध्यक्ष, राघवन राणा
उप कोषाध्यक्ष भास्कर द्विवेदी व हिमांशु जोशी, संरक्षक पंकज द्विवेदी, मीडिया प्रभारी गजेंद्र परिहार, सचिव प्रकाश लोहिया, विधिक सलाहकार व प्रकाश धामी को आय व्यय निरीक्षक का दायित्व सौंपा गया। इस दौरान नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारी द्वारा सरकार से अतिथि शिक्षकों के पक्ष में लिए गए निर्णयों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग भी की गई है। हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।